देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सख्त स्वभाव के बारे में जाने जाने वाले जैन धर्म गुरु तरुण सागर जैन मुनि अब हमारे बीच में नहीं रहे। बड़े ही शांत स्वभाव और सरल जीवन जीने वाले तरुण सागर मुनि 51 साल की उम्र में दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित राधापुरी जैन मंदिर में उन्होंने अंतिम सांसें ली। क्रांतिकारी संत के नाम से चर्चित जैन मुनि तरुण सागर का 51 वर्ष की उम्र में शनिवार सुबह निधन हो गया। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में स्थित राधापुरी जैन मंदिर में सुबह करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सामाजिक मुद्दों पर मुखरता से अपनी राय रखने वाले तरुण सागर जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वे जलेबी खाते खाते संत बन गए थे। हालांकि इस बात की हकीकत क्या है इसके बारे में उन्होंने मीडिया से बातचीत में पूरा किस्सा बताया है। जैन मुनि तरुण सागर 6 कक्षा में पढ़ाई के दौरान जलेबी खाते खाते सन्यासी बन गए थे। इस चर्चित वाक्य पर तरुण सागर ने बताया कि मैं एक दिन स्कूल से घर जा रहा था। बचपन में मुझे जलेबियां बहुत पसंद थी। स्कूल से वापस लौटते वक्त पास में एक ही होटल पड़ता था जहाँ बैठ कर मैं जलेबी खा रहा था। पास में आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे कि तुम भी भगवान बन सकते हो। ये बात मेरे कानों में पड़ी और मैंने संत परंपरा अपना ली। वैसे तो सागर मुनि कई बार विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन कई बार अपने बेबाक अंदाज के चलते उन्होंने कई लोगों की बोलती भी बंद की है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देना हो या 3 तलाक पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को चुप करवाना हो, जैन मुनि की अपनी एक अलग ही पहचान थी। एक बार तो जैन मुनि ने अपने यहाँ तक कह दिया था कि छोटी मोटी चोरी या घोटाला करने वाले जेल में बैठे हैं, जबकि बड़े बड़े घोटाले करने वाले संसद में बैठे हैं। मुनि के इस बयान की भी काफी आलोचना हुई थी। हम आपको बता दें कि कड़वे प्रवचन के लिए पहचाने जाने वाले जैन मुनि तरुण सागर का जन्म 1967 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम पवन कुमार जैन था। जैन संत बनने के लिए उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में 8 मार्च 1981 को घर छोड़ दिया था। मुनि तरुण सागर ने 20 साल की उम्र में दिगंबर मुनि की दीक्षा ली। कड़वे प्रवचन नाम से उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। एएनवी न्यूज के लिए विनीत शर्मा की रिपोर्ट।